प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आपने हमारे 2020, 19, 18, 17 और 16 के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। उसमें मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन कराया है विथ फैक्ट एंड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कैसे तैयारी कर सकते हो, इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, आप हमारा BHU LLB 3 ईयर का अलग से प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश के सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी 4-5 दिन या 1 सप्ताह बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, उसमें आप उस करंट अफेयर्स का यूज कर सकते हो। हम आपको उसकी एक झलक दिखा चुके हैं। यहाँ आई बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपको वो दिख जाएगा करंट अफेयर्स कैसे है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और उसकी प्राइस भी हमने मात्र 40 रुपए कर दी है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियोमेटिक एक्सप्रेशन एट स्टेक। एट स्टेक मतलब होता है दाव पे। तो पहला का राइट आंसर लिखा हुआ है एट रिस्क। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी कि ये होता है सिनोनिम। सेमनेस क्या होता है? मोनोटोनी का मतलब होता है सेमनेस। मोनोटोनी मतलब एक जैसा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए स्मॉल रूम और पार्ट ऑफ रूम यूज एज ए किचन, इसको कहते हैं किचनेट। ये एक अलग वर्ड है, इंग्लिश ही है लेकिन लैटिन इंग्लिश है, ठीक है। अगला पूछा गया था, जो भी आपको अगर ये वीडियो तेज लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आराम से देख के कर लो। साथ ही साथ जो लोग लाइव देख रहे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो। हिंदी के, पॉलिटी के, सबके अलग अलग हमने सॉल्यूशन कराए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग गिवन वर्ड, क्या है? मम। मम मतलब होता है चुप रहना, साइलेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वाराणसी स्टैंड्स ऑन अ गंगा। अब यहां अ क्यों होगा, कोई हमें कमेंट करके बता दे यहां अ गंगा क्यों होगा, ठीक है। वैसे मुझे ये डिस्प्यूटेड लग रहा है क्योंकि यहां द गंगा भी हो सकता है, बट आप अपना सजेशन जरूर दिए। सेलेक्ट द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इफ ही, अब ये तो आपको पता होगा, हैड कम होगा तभी वुड लगेगा। यहाँ वी थ्री यहाँ होता है इसलिए यहाँ वुड होता है, ठीक है। ये तो ग्रामर रूल आपको पता होगा। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हेटफुल एब्डोमिनल का मतलब होता है, सिनोनिम होगा हेटफुल, घृणास्पद होता है। इसकी इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है, तैयारी कर लेना। हिंदी वाले भाई साहब रुक जाओ थोड़ा, मैं हिंदी दिखाता हूं आपको। या वीडियो आप आधे के बाद देखो, आपको मिल जाएगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द विच वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट गिवन मार्क ऑफ द, सॉरी, मेक ए लॉन्ग एंड हाई कंप्लेनिंग क्राई। वाइन होता है, वाइन मतलब बहुत ज्यादा रोना, बिलबिलाना। इरेज का मतलब क्या होता है? इरेज का उल्टा पूछ रहा है, मोस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा प्रिजर्व। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब क्या है यहाँ भाई? जो मैन के द्वारा बनाया जाता है तो सिंथेटिक होता है उसका। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग वागा बॉन्ड। वागा बॉन्ड मतलब होता है वर्जित, जो बाहर घूमता रहता हो, अंदर नहीं आ सकता हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? वंडरिंग यहाँ सबसे सुटेबल वर्ड है। नेक्स्ट है, तो एंटोसाइनो कितना ज्यादा जरूरी है? हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आप जाओगे, एंटोसाइनो आपको मिल जाएगा आपके काम का। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। ही लेफ्ट होम आफ्टर द डेज वर्क। ही लेफ्ट फॉर होम आफ्टर द डेज वर्क। सेलेक्ट द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। टू मेनी कुक्स, अब क्या होता है? बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा जोगी मठ उजाड़ देते हैं, तो इसी का ये इंग्लिश होता है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। अब अपोजिट बताना है इसका, कर्टेल मतलब होता है कम करना, तो कम करने से बढ़ाना होगा लेन देन। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। डिफरेंट, ऑर्थोडॉक्स का क्या होगा? डिफरेंट। इसी तरीके से 17 का भी आंसर देख लीजिए, क्या है? स्टराइल। स्टराइल का प्रोडक्टिव उल्टा होता है ना। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग गिवन एडियोमेटिक एक्सप्रेशन। व्हाइट एलिफेंट वेरी कॉस्टली एंड यूज लेस पोजेशन। देखिए, आप इसको कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, किसी काम का नहीं होता है ना, वो बस देखेगा आपको, सुंदर दिखेगा, खाना पीना उसको पूरा व्यवस्था चाहिए, लेकिन वो व्हाइट एलिफेंट का इस्तेमाल कहीं होता भी नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, देख लो, माई फादर इज एंग्री, एट होता है एंग्री के साथ। सेलेक्ट द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई मेट एन वन आइड पर्सन यस्टरडे। अब हिंदी में आते हैं, हिंदी में देखिए, रचनाकार का नाम बताइए। दृघ उर्जत टुटु टुटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीत, है ना। ये किसकी है? बिहारी की कविता है, ये हमने पढ़ी थी BA फर्स्ट सेमेस्टर में, ये पढ़ना था। मैलांचल को
कौन लिखा है, ये बहुत इजी है। और मेरा भरोसा मानो, अगर आपके पास जितने भी समय बचे हैं, हमारे अगर हिंदी के प्लेलिस्ट, हिंदी के सर जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, आपको रैंक में वो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि यही हिंदी इंग्लिश है जो बच्चे इग्नोर करते हैं और बाद में पछताते हैं। हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला अखबार बनारस अखबार। कामायनी की रखा रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। उन्होंने हिंदी के, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, सबका ऐसे बनाया हुआ है, सबसे रचना रचनाकार ज्यादा पूछता है। अब ये चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोत्साहन का समानार्थी नहीं है, उकसाना। प्रोत्साहन का थोड़ी ना उकसाना होता है, ये तो उल्टा ही हो जाएगा, तो यहां तो पूछ रहा है ना, नहीं है। हिंदी वर्णमाला का फ किस तरह का व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। वादी शब्द का विलोम बताइए, वादी। और उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, वादी प्रतिवादी, रश्मि रथी की रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चयनित कीजिए, पूजनीय है ना, पूजनीय होते हैं ना कि पूजनीय होता है। निम्न में से कौन सा अग्नि का तद्भव नहीं है, आगुन है ना, आगुन है। चौपाया में कौन सा समास है, बता दीजिए चौपाया, आराम से देख करके बताइए जो हिंदी वाले बच्चे हैं। कौन होगा, द्विगु समास। हिंदी वर्णमाला का शौ किस तरह का व्यंजन है, यह है उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है जी, उष्म व्यंजन। 14 देख लो, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, ये भी पढ़ा दिया गया है, ये हुई थी अवधी भाषा में है ना, तुलसीदास ने की थी रामचरितमानस की रचना, और इसकी वजह से इनको जो है बनारस में काफी कष्ट झेलना पड़ा था। इन्होंने लिख तो दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बनारस के पंडों ने उनको एक तरीके से, बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन गधे पे बैठा के और पूरा बनारस घुमाया था है ना, अवधी में उन्होंने लिख दिया, इसलिए तो ये आपको याद होना चाहिए। इससे एक स्टोरी भी हमने बता दिया। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चिकना घड़ा का मतलब होता है बेशर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, नमक का दरोगा किसने लिखा है, किसी ने पढ़ा है क्या, नमक का दरोगा किसी ने पढ़ा है, शायद पढ़ाई होगा, हाई स्कूल में पढ़ना था, तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। उन्नति में किस उपसर्ग का नियोजन किया गया है, उन्नति में बताइए, उत्जोड़ नति है ना। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। मुक्ति का सही विलोम क्या है, बताइए, मुक्ति का बधि होता है ना, आपने पढ़ा होगा बधि। और न्यायालय का संधि विच्छेद क्या है, न्याय जोड़ आलय, नी जोड़ आलय, नय जोड़ आलय। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, पुराने क्वेश्चन भी हैं, बीएलएलबी के प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई डिमांड है हमें जरूर बताइएगा, और पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए भी संपर्क करिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और भी सारे पीडीएफ एक साथ भेज दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।